गुड आफ्टरनून दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। और इस वक्त आप देख सकते हैं द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है पूर्व मेदिनीपुर मंदारमनी में, जहां से हम आपको ये लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं समुंदर का। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे ये खूबसूरत सा समुंदर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, और बच्चे यहाँ पर देखिए एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं आपको, तमाम तरह से फैमिलीज एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा बच्चा पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है काफ़ी खूबसूरती से। और वहाँ पर भी देख सकते हैं आप कुछ लोग खा रहे हैं, ये रिजॉर्ट है। और ये खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर, हम आपको छोटे से बच्चे को दिखाएंगे। ये देखिए बच्चा किस तरीके से एंजॉय करते हुए दिख रहा है। देखिए और ये खूबसूरत नज़ारा आज पूर्व मेदिनीपुर मंदारमनी, जो कि एग्जॉटिक प्लेस कहा जाता है कोलकाता वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, भारत के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं छुट्टियां बिताने, फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए। यहाँ पर कई तरह के रिजॉर्ट्स अवेलेबल है, लोग ज़्यादातर दीघा जाते हैं, लेकिन जो जिनके पास थोड़ा बजट थोड़ा अगर हाई रहता है, जिनके पास बजट अगर उनका थोड़ा हाई रहता है जैसे कि, तो वो लोग ख़ास तौर पर आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए मंदारमनी। यहाँ ये थोड़ा कॉस्टली है, यहाँ पर आपको पर्सनल आपको एक जो बीच मिलेगा और ये बीच में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी भीड़ नहीं रहेगी, आप लोग फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे काफ़ी सारे जो है नाव दिख रहे हैं और एक खूबसूरत सा नज़ारा। लोगों को अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो ज़रूर यहाँ पर आए और आकर के इस नज़ारे का लुत्फ उठाएं। जैसा कि हम लोग उठा रहे हैं, ये सैंड पर आप वो रनिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि अलग अलग जगहों पर जाएं, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर जाकर इनक्रेडिबल इंडिया जो कहा जाता है हमारे मुल्क को, और अलग अलग जगहों से आपको बताएं कि किस तरीके का कैसा दिखता है हमारा ये भारत और हमारी भारत की खूबसूरती क्या है। और ये देखिए बच्चा, मैं बार बार दिखा रहा हूँ बच्चे को, बच्चा काफ़ी इंजॉय कर रहा है, आप देखिए। हाँ आइए देखिए, और ये देखिए बच्चे को, अरे आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। बच्चा खूब काफ़ी इंजॉय कर रहा है, देखिए पानी में दौड़ दौड़ कर जा रहा है और सैंड को उठा उठा कर ला रहा है अपने। और ये देखिए बेहतरीन, तो आप बने रहे हमारे साथ फर्दर अपडेट्स के लिए। अब हमें भी लंच के लिए जाना है, देख सकते हैं हमारे दोस्तों को हमारे बगैर ही लंच कर रहे हैं। কেমন লাগছে ভালো লাগছে হ্যাঁ ভালো লাগছে হ্যাঁ অনেক ভালো লাগছে এখানে এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম এত জল এটা ধরে বলো হ্যাঁ এত জল আমি এখানে এসে অবাক হয়ে গেলাম ওখানে আমরা মূর্তি বানাচ্ছি লোগো নিউজ চ্যানেলে দেখান আচ্ছা আচ্ছা কোথায় কোথায় দেখো ওই তো ওখানে কোথায় মূর্তি বানাচ্ছি এই তো আরে গ্রেট 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 কার সাথে এসেছো বাবার সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আরে কি দিদি আছে দিদি ভাই হ্যাঁ अरे क्या चे? এটা আমার ভাই। ছোট ভাই কি নাম? বলতে দক্ষ। বাবার নাম হচ্ছে বাপ্পাদিত্য। বাপ্পাদিত্য, বাপ্পাদিত্য দা কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে
বাপ্পাদিত্য দা এখন কাসেল তৈরি করছে বাচ্চাদের আর্টিস্ট বাপ্পাদিত্য দার সাথে কথা বলবো দাদা একটু এটা ধরে आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बप्पादित्य दा है ये एक आर्टिस्ट है और दादा आपने क्या आर्टिस्ट है हाँ, आर्टिस्ट यू कैन सर्च माय नेम ऑन गूगल माय नेम इज बप्पादित्य रॉय चौधरी बप्पादित्य रॉय चौधरी सर आपने माने फैमिली साथे क्वालिटी टाइम एंजॉय विद फैमिली वेरी नाइस इट्स ऑसम प्लेस या আমাদের ভিউয়ার্স কে কি রিকমেন্ড করবেন স্যার আসার জন্য আপনারা আসলে মন্দারমণি আসুন is a good place and I would refer you can stay in the Neel Nirjone it is a good resort so you can stay in Alon you can enjoy very much thank you very much sir bye আর এই আমি ছোট শিশুর সাথে কথা বললাম হাই কেমন আছো হাই বাই করো বাই বাই এই বাচ্চাটা বাই করলো এবার আপনাকে আরেকবার বাই করো বাবা বাই হ্যাঁ সো কিউট तो आप लोग देख रहे थे बच्चा बहुत काफ़ी क्यूट बच्चा है और ये बचपन का ये जो मज़ा है ये लोग हम लोग लोग जो बड़े हो जाते हैं बड़े हो जाने के बाद लोगों को ये मज़ा हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ से ये जो मज़े होते हैं ये छूट जाती है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के भाग दौड़ में ये जो लाइफ का जो ये एक अहम पहलू होता है वो एक अहम पहलू होता है वो ख़त्म हो जाता है लेकिन लोगों को हर एक पहलू को हर एक वक्त को अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए एंजॉय करना चाहिए लाइफ के हर एक मोमेंट को यहाँ पर कुछ दादा है इनसे भी बात करेंगे दादा गुड इवनिंग दादा आफ्टरनून सॉरी गुड आफ्टरनून दादा कैमन लागछे दादा ভালো লাগছে খুব ভালো কি নাম আছে দাদা আমার নাম জহর খুব সুন্দর।